जनपद आजमगढ़ में 13 कुल मिला के नगर पालिका और नगर पंचायतें सभी इस योजना के उस नगर पंचायत क्षेत्र के निवासी पात्र हैं। अभी दो नई नगर पंचायतें बनी हैं, क्या वो भी इस योजना में शामिल? जी बिल्कुल, शासनादेश जारी हो गया है, वहाँ के पात्र लाभार्थियों का सर्वेक्षण शुरू हो चुका है। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डूडा के अधिकारी हैं, परियोजना अधिकारी हैं अरविंद पांडे जी, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। जो सरकार की योजनाएं हैं, जो शहरी विकास अभिकरण की जो योजनाएं हैं और जो भी लाभान्वित होंगे उन योजनाओं से, वो कौन कौन सी योजनाएं हैं और जिला स्तर पर इन अधिकारियों की जो भी तैयारियां हैं, किस तरह से जो पात्र हैं उनको वो चीज़ें, वो योजनाओं का लाभ मिल सकता है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम आपसे बात करेंगे। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो ये बताएं कि शासन द्वारा कौन कौन सी योजनाएं हैं जो आपके विभाग के अंतर्गत आ रही हैं और जो पात्र हैं उनको उसका लाभ मिल सकेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी डूडा के माध्यम से उत्तर प्रदेश में संचालित हो रहा है, जिसमें शहरी क्षेत्र के आवासहीन ऐसे लाभार्थी पात्र माने जाते हैं जिनके पास कम से कम 21 वर्ग मीटर जमीन हो, 21 स्क्वायर मीटर, और नगरीय क्षेत्र का निवासी हो, भारतवर्ष में कहीं उसका पक्का मकान न हो और उसकी अधिकतम आय 3 लाख रुपए वार्षिक या उससे कम हो। ऐसे लाभार्थियों को, अथवा जिनका कच्चा मकान है या ऐसा मकान हो जिसका छत ईंट का बना हो, जर्जर हो, ऐसे लाभार्थी पात्र माने जाते हैं इसमें। और ऐसे योजना कब से चल रही है? ये 2016 से शुरू हुई है। 2016 से जी, ये इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि नगरीय क्षेत्र के प्रत्येक परिवार को घर पक्का मकान मुहैया हो जाए। इसमें प्रति लाभार्थी 2.5 लाख रुपए दिया जाता है, जिसमें 2 कमरे, 1 किचन, लैट्रिन और बाथरूम लाभार्थी को बनवाने होते हैं। यह योजना पूर्णतः निःशुल्क है। इसमें लाभार्थी को अपना एक आवेदन पत्र भरना रहता है, फोटो सहित, आय प्रमाण पत्र लगाने रहते हैं और एक शपथ पत्र देना रहता है कि भारतवर्ष में हमारा कहीं मकान नहीं है। तत्पश्चात उसका सत्यापन किया जाता है, जांच होती है और जांच के बाद DPR बनाया जाता है और फिर स्वीकृति प्राप्त होती है। अगर घोषणा पत्र में किसी भी आवेदक के द्वारा कुछ तथ्यों को छुपाया जाता है, जैसे आपने कहा कि भारतवर्ष में उसका कहीं पक्का मकान नहीं होना चाहिए जो इसके पात्र होंगे, अगर मान लीजिए कुछ ऐसे व्यक्ति जो पात्र नहीं हैं, उनका मकान है और वो सत्य को छुपा करके आवेदन करते हैं, स्वीकृत हो जाता है, बाद में पता चलता है, उस दशा में क्या कदम उठाता है आपका विभाग? अगर उन्होंने गलत शपथ पत्र दिया है तो ऐसी दशा में वो गलत शपथ पत्र देने के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाती है। साथ ही जो धनराशि लाभार्थी द्वारा प्राप्त किया गया है, ब्याज सहित उसकी रिकवरी भी की जाती है। ब्याज सहित रिकवरी जी। तो क्या जेल जाने का भी प्रावधान है इसमें? हाँ बिल्कुल, गलत शपथ पत्र दिए जाने में जो भी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्रावधान है वो उसकी कार्रवाई की जाती है। आपने अपनी बातों में एक नगरीय परिक्षेत्र की बात की, तो वो क्षेत्र आजमगढ़ जिले की हम बात कर रहे हैं कि कहाँ से कहाँ तक का माना जाए। अगर हम यहाँ पे कलेक्ट्रेट भवन पे खड़े हैं सेंट्रिक, तो यहाँ से पश्चिम में अतरौलिया की तरफ क्या माने, जियनपुर की तरफ क्या माने, कितना परिक्षेत्र होगा वो? देखिए, प्रत्येक नगर पालिका अथवा नगर पंचायत की सीमा निर्धारित है, ये इसमें नगर पंचायत विभाग भी जुड़ा हुआ है, उनके स्तर से इसी बात का सत्यापन किया जाता है कि संबंधित लाभार्थी उस नगर पंचायत या नगर पालिका क्षेत्र का है। पंचायत भी इसी में इंक्लूड है? नगर पंचायत, नगर पालिका, जनपद आजमगढ़ में 13 कुल मिला के नगर पालिका और नगर पंचायतें हैं जी। सभी इस योजना के उस नगर पंचायत क्षेत्र के निवासी पात्र हैं। तो जो अभी दो नई नगर पंचायतें बनी हैं, क्या वो भी इस योजना में शामिल होंगी? जी बिल्कुल, शासनादेश जारी हो गया है, वहाँ के पात्र लाभार्थियों का सर्वेक्षण शुरू हो चुका है। ऐसे लाभार्थी वहाँ पात्र हैं जो इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण अथवा इंदिरा आवास या माननीय मुख्यमंत्री आवास
में आवास नहीं लिए हों, उनका कच्चा मकान है और अन्य सारे प्रावधान भारतवर्ष में कहीं और पक्का मकान ना हो, ये सब चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए वहाँ सर्वेक्षण कार्य जारी है और वहाँ से लगभग 3000 आवेदन भी प्राप्त हो चुके हैं दोनों नगर पंचायतों से। आवेदन प्राप्त होने के बाद उनका फिर से सत्यापन किया जाएगा, संबंधित विकास खंड अधिकारी से उसका NOC लिया जाएगा कि जो आवेदन किया है वो प्रधानमंत्री ग्रामीण से उसने आवेदन नहीं लिया है, और लाभार्थी से भी ऐसा शपथ पत्र लिया जा रहा है। निकट भविष्य में आपके विभाग द्वारा कोई कार्य योजना या कोई कार्यक्रम की कुछ प्लानिंग ऐसी बनी है जिसमें लोगों को जागरूक किया जा सके या जिनको जो पात्र हैं उनको सौंपा जा सके, इस तरह का कुछ है प्लानिंग भविष्य? जी, जिलाधिकारी महोदय ने निर्देशित किया है कि वसंत पंचमी के दिन जितने आवास पूर्ण हो जा रहे हैं, बसंत पंचमी को, जी बसंत पंचमी तक जितने आवास पूर्ण हो जाएंगे और उनको तारीख क्या होगी? 28 जनवरी। 28 जनवरी जी, तो हमारे लगभग 3000 लाभार्थियों ने आवास कंप्लीट कर लिया है, उनका एक साथ जिलाधिकारी महोदय द्वारा गृह प्रवेश कराया जाएगा। इसमें जिलाधिकारी महोदय के मार्गदर्शन में अलग अलग अधिकारी संबंधित नगर पंचायतों में जाकर और लाभार्थी का गृह प्रवेश कराएंगे। बसंत पंचमी बहुत शुभ माना जाता है भारतवर्ष में, इसलिए ऐसा दिन। और आगे भविष्य की क्या योजनाएं हैं आपके विभाग की, ताकि जो सरकारी योजनाएं हैं आप जिस योजना पे काम कर रहे हैं जो आपके विभाग के अंतर्गत आती हैं वो सही तरीके से आम जनमानस में पहुंचे, उसके लिए क्या योजना है? जी, हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना तो हैं ही, एक हमारे यहाँ आजीविका मिशन चलता है जिसमें नगरीय क्षेत्र के जो बेरोजगार नौजवान या माताएं बहनें हैं वो अपना समूह बनाकर अपना आजीविका शुरू कर सकती हैं, धनोपार्जन कर सकती हैं। तो हम लोगों का निरंतर ये प्रयास चल रहा है कि बांसखोर जो एरिया है, माननीय कांसीराम आवास है जहाँ पर समूह में लोग रह रहे हैं और कुछ रोजगार करना चाहते हैं तो समूह बनाएं और धनोपार्जन कर सकें। तो देखा आपने हमने बात किया परियोजना अधिकारी, डूडा के परियोजना अधिकारी अरविंद पांडे जी, इनसे हमने ढेर सारी बातें की, जो भी सरकार की योजनाएं हैं और जो भी पात्र लोग हैं उन तक वो कैसे पहुंचेंगी हमने इनसे बातचीत की, और आगे भविष्य में हम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हो या केंद्र सरकार द्वारा जो भी योजनाएँ आम जनमानस के लिए चलाई जा रही, आम हिंदुस्तानी के लिए चलाई जा रही, जो भी उसके पात्र हैं उन लोगों तक उन सभी योजनाओं की जानकारी हम आपको पहुंचाएंगे और लगातार अन्य विभागों के अधिकारियों से भी बातचीत करके उनके विभाग के मार्फत कौन कौन सी योजनाएं आम जनमानस के लिए, जन कल्याणकारी योजनाएं जो सरकार चला रही है वो कैसे पहुंचेंगी उनके विषय में भी आपको जानकारी देंगे। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।